गाइस गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं 9 और अभी हूँ मैं सौरभ भैया के घर, जस्ट अभी पहुंचा हूँ। तो चलो अब चलते हैं। आज भैया के घर में है पूजा, खुशियाँ होती हैं तो भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। तो चलो मैं भैया का मतलब थोड़ी बहुत जो भी काम वगैरह है हेल्प करवाने के लिए मेरे को भैया ने बुलाया था, मैं तो मम्मी को भी साथ में ले आया। तो चलो अब चलते हैं। और मैं जो कल वेजिटेबल्स वगैरह तोड़ के लेके आया था वो भी लेके आया हूँ बुआ के लिए। तो सब्जी भी ले ली है, फ्रूट भी लेके आया हूँ। चलो जी। तो अभी पूजा हो चुकी है, तो इसके बाद होगी कंजक पूजा। तो अभी जो खाना वगैरह है वो बन रहा है। तो पूजा में आए सबकी थाली में प्रसाद। तो अभी सबको होगा जल जीरा सर्व। तो अभी भट्टियाँ वगैरह लग चुकी हैं, चने बन गए हैं, अब बनेंगी पूरियाँ। अभी मैं और बुआ इकट्ठे होके मतलब गाड़ी में कन्या को लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं और आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। तो अभी कंजके आ चुकी हैं, अपना अपना नाम गुड डे बताएं। काव्या। काव्या आपका क्या है? वानिका। रेवा। क्या नाम है? रेवा। रेवा। और दो और आ चुकी हैं। लो जी गर्मा गर्म पूरी तैयार हो गई। इतने सवार के तो है ना, ठीक है दोबरी तो वो इतने दोबरी तो वो। दादी दे पेंसिल एक। दादा आज का याद आता।
विशाल तीन साल दी कट्ठियां ले लिए ना है ना तीन साल दी कट्ठियां ही हैं क्या हुआ चल ले 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 रोई ना पढ़ पांडे के केपन 15 को पांडे 10-15 कैरिया ट्राईया चुवार का लाओ एन पैर अगेन करो बाय बाय हाय ले अभी पू आज काम खत्म हो गया पू ने बहुत काम कराया आज में थे बहुत काम कराया पू अजी हुन पेंशन आने वाली ता करता मैं काम आई करनी शॉपिंग आई फिर अरे बुआ हां पेंशन आएगा नहीं है अभी किदा करना क्या करना पू यार पेंशन आएगा नहीं पहली तारीख नु आ जाएगा ना हां ठीक है कहना मैं तो उतने ही आया इन्हें तो पता लगना भाभी ने भाजी का पता लगना है ना भाई कहना मैं कहना उतने ही आ गया चुप्पे नहीं आ तो जाएगा तो ये शिवानी दीदी की लड़की देखो अपने से बड़ा गुड्डा उठा रही है देखिए गुड्डा तो चल ठीक है आप ना डिग जाए इधर भार तेरे नालों ज्यादा होना 15 किलो भार है 15 किलो भार है कुड़िया किदा करते भाई दस इन्हें नहीं पता किदा बाय किदा बाय खड़गा सत श्री अकाल जी राम राम जी इदा बोलते होंगे अच्छा किदा बोलते राम राम जी हाँ जी किदा बोलते किदा राम राम जी राम राम जी क्या क्या वीडियो बनानी शॉपिंग आनी कहाँ जा रही हो आप अच्छा शॉपिंग में क्या करके आओगे शॉपिंग में मेकअप का सामान लो जी शॉपिंग भी हो गई शॉपिंग हो गई टैडी का क्या वेट वेट क्या है टैडी का क्या होगा वेट नहीं पता आपको आपका वेट क्या है ये भी नहीं पता चलो छोड़ो कोई बात नहीं तो फाइनली पूजा अच्छी तरह हो गई है ना खाना पीना बड़ा अच्छा बना था भाई आज थक चुके हैं काम करके सुबह से लगे थे हम तो आए थे 9 बजे है ना 9 बजे पहुंचे थे अब हम जा रहे हैं बज रहे हैं 4 चलो अब चलते हैं फिर ठीक है जी राम राम चलिएगा राम राम ठीक है सब्जियां पा रहे हो खाने थोड़ी हां सब्जियां बची बची ही नहीं चलो कोई गल नहीं कन्या बठानी हां ठीक है मेरा पंजाबी हुंदा जेड़ा भी भाई सब्जियां पा दे मड़े जा चकमा सिस्टम नहीं है गाज लेता खा भी आनी है ले भी जानी हैगी है जी सब्जी पा दे मड़ी जी हुआ चलो फिर चलिए चलो फिर चलो जी चलिए फिर हम पेंचर का लानी एक नो है 15 दिन है कि 15 दिन है कि मतलब मैं भी आ जाएगा ना 5-6 नो चल आ जाएगा नहीं 5-6 नो आ जाएगा ना मिल ले जाएगा नहीं थोड़े बहुत थोड़े दे दे करो बीस बंदा है 2-3 हजार हाँ बढ़िया नाले ਪੂਆ ਦੇ ਹੁਣ ਪੈਂਚਰ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੰਗਾ ਜੀ ਤੋ ਆਜ ਮੈਨੇ ਕ੍ਰੌਕਸ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੋ ਵੀ ਮੈਨੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਾੜੀ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਸ ਮੇ ਜੋ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਏਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗਾ ਪੂਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਹੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਲੈ ठीक है जी बाय बाय राम राम जी फिर मिलते हैं आना घर ओ आ
जल्दी ही। ठीक है बुआ बाय। फिर आऊंगा। तुसी आए हो? अभी शॉपिंग हो चुकी है हमारी, पहली बार नहीं तो मेरा साइज गलत होता है, मम्मी के साथ लेके आया मैं, तो इस बार साइज में थोड़ी ठीक रहा हूँ। जब मम्मी लेके देते हैं तो साइज ठीक आता, जब मैं लेके जाता हूँ तो मेरे को चेंज करवाना पड़ता है हर टाइम। देखो कितनी गर्मी है और एक गाय और मैं भैंसे इनको बाहर चराया जा रहा है इतनी गर्मी में, और लोग बोलते हैं कि दूध महंगा हो रहा है, ये नहीं देखते उसके पीछे कितना ये लोग काम करते हैं। और हमारे एरिए की आप हरियाली देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लगा हुआ हमारे एरिए में, शहरों में ये वाला नज़ारा तो मिलेगा नहीं। तो आज पूरा दिन फुल बिजी और फुल इंजॉय किया फैमिली के साथ, और सौरभ भैया के घर आज पूजा थी तो भैया ने मेरे को बुलाया हुआ था, और मैंने आज खूब काम किया है। और अपनों के साथ काम करने का मज़ा भी बहुत अलग आता है, क्योंकि हाथ को जैसे हाथ होता है। तो भाई ने मेरे को स्पेशल कॉल की थी सुबह 6:30 बजे, मेरे को कॉल आ गई थी जबकि हम रात पहुँचे थे 12:30 घर पे, और सुबह 6:30 फिर उठ के, रात मेरे को नींद नहीं आई, 1:30 बजे तक नींद नहीं आई क्योंकि ट्रैवलिंग की हुई थी। तो 6:30 फिर उठ के नहा धो के 8:30 बजे से मतलब बुआ के घर हम पहुंच गए थे। तो अभी करते हैं थोड़ी सी सैर, क्योंकि आज फिर से जो मतलब पूरी वगैरह खाई हुई है हैवी हो चुकी है, तो पहले सैर करते हैं। तो 1 घंटा पूरा सैर करूँगा मैं। तो अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है, फैमिली ब्लॉग होते हैं मेरे, और कौन सी चीज़ आपको मतलब मेरे ब्लॉग में अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करा करें। तो आपने जो मेरे को इतना प्यार दिया है और इतनी सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ना तो मेरे पास कोई शब्द है कि आपका और इससे ज़्यादा धन्यवाद कर सकूं, जो आप इतनी सपोर्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आके देखने के लिए मिलते रहेंगे मेरे विलेज ब्लॉग्स और ट्रैवलिंग। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।